हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम बात करेंगे भारत की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि भारत के नए संसद भवन यानी कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उन फैक्ट्स के बारे में जो कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, और ये फैक्ट्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है, और आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो किस चीज से मिलकर बनी है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा प्लस राज्यसभा, डी ऑप्शन है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। फैक्ट नंबर वन है, जो भारत की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन संडे के दिन यानी कि 28 मई 2023 को की गई, और जैसे ही ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई, ये भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया है। फैक्ट नंबर टू की बात करते हैं, तो इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था 10 दिसंबर 2020 में, और इसके फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस बिल्डिंग को करीबन 2 साल में कंप्लीट किया गया है। फैक्ट नंबर थर्ड है, जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी है यानी इसमें कुल सीटें हैं 1272 सीटें, जिनमें से 888 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए, और बाकी बची 384 सीटें रिजर्व हैं राज्यसभा के लिए। यानी कि कुल सीटें हैं 1272, लोकसभा के लिए है 888 सीटें, राज्यसभा के लिए है 384 सीटें। फैक्ट नंबर फोर की बात करें, तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो स्पैन बनाया जा रहा है यानी कि इसका लाइफ स्पैन, समय काल बताया जा रहा है करीबन 150 साल, यानी कि ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग 150 साल तक बिल्कुल अच्छे से काम कर सकती हैं और अपनी सेवाएं देश के लिए दे सकती है। फैक्ट नंबर पांच की बात करें, तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बनाई गई है उसकी शेप है ट्रायंगल, यानी यहां पिक्चर में भी देख सकते हैं जो बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर शेप में बनाई गई है यानी त्रिभुजाकार में, और ऐसा माना जा रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उससे करीबन 10% कम एरिया में बनाई गई है। जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसकी शेप थी सर्कुलर, और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की शेप है ट्रायंगुलर शेप, और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले 10% कम एरिया में बनाई गई है। फैक्ट नंबर सिक्स की बात करते हैं, तो इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पूरी तरह से श्रेय जाता है यानी कि चीफ आर्किटेक्ट का नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल जी इस नई बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट हैं, और ये पॉइंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर सेवन की बात करें, तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को, यानी टाटा कंपनी के अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तैयार करके दिया है, भारत को सौंप दिया। फैक्ट नंबर एट की बात करें, इनिशियली इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बजट बनाया गया था 862 करोड़ रुपए, बट समय के साथ साथ चीजों में फ्लक्चुएशन या प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होने के कारण इस नई पार्लियामेंट को बिल्डिंग को बनाने के लिए कुल खर्चा लगा 971 करोड़ रुपए, यानी 971 करोड़ रुपीज में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार की गई। फैक्ट नंबर नाइन की बात करें, एक ऐतिहासिक स्केप्टर यानी कि राजदंड अधिकारी जिसका नाम है सेनगुल,
सेन गोल जिस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे रखा जाएगा नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बनारे। सेन गोल के बारे में बात करें तो सेन गोल ये चीज रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफर ऑफ पावर्स। 1947 में भारत के अंग्रेजी लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सेन गोल को भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था और इसे एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर्स के रूप में। तो इसको भी भारत की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 10 की बात करें, इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स को यूटिलाइज किया गया। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किया गया और कितना। स्टील की बात करें तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए करीबन 26,000 मीट्रिक टन्स का स्टील यूज किया गया। सीमेंट की बात करें तो करीबन 64,000 मीट्रिक टन्स का सीमेंट यूज किया गया और वहीं करीबन 9,700 मीट्रिक टन्स फ्लाई ऐश यूज की गई इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तैयार करने में। फैक्ट नंबर 11 की बात करें तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो लोकसभा का हॉल है उसको तैयार किया गया है एक थीम के बेसिस पे, और नई लोकसभा हॉल की थीम रखी गई है पीकॉक थीम। इसको रखने का पर्पस ये है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं भारत का नेशनल बर्ड है पीकॉक, तो उसी बेस पे इसको रखा गया है पीकॉक थीम के ऊपर। फैक्ट नंबर 12 है राज्यसभा हॉल की बात करें तो राज्यसभा हॉल को तैयार किया गया है लोटस की थीम के ऊपर, यानी कि कमल की थीम के ऊपर, कमल का जो फूल है। इसको इस थीम के बेस पे इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि भारत का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं यहां पे लोटस फ्लावर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हॉल है राज्यसभा का हॉल। फैक्ट नंबर 13 की बात करें तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में तीन एंट्रेंसेस हैं, यानी कि तीन द्वार हैं अंदर आने के, और इन तीन द्वारों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहला जो दरवाजा है उसका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम रखा गया है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम रखा गया है कर्मा द्वार। इन तीन अलग अलग नाम से ये तीन एंट्रांस बनाए गए हैं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। 14 नंबर फैक्ट्स की बात करें, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को उस तरह से तैयार किया गया है कि ये बड़े से बड़े भूकंप यानी अर्थक्विक को भी सहन कर पाए। इस बिल्डिंग का डिजाइन उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे तैयार किया गया है कि ये बड़े अर्थक्विक को भी रेजिस्ट कर पाए। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जोन 5 के सीस्मिक रिस्क यानी कि अर्थक्विक की बेब्स को होल्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। वहीं जहां पे इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया गया है यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी में, वो जोन 4 में आता है, तो इस बिल्डिंग को जोन 5 तक रजिस्ट करने तक बनाया गया है, तो जोन 4 को ये आराम से रजिस्ट कर पाएगा अर्थक्विक को। फैक्ट नंबर 15 की बात करें तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया गया है। इस हॉल की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है एक सीरीज के तौर पे जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रिप्रेजेंटेशन देता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को तैयार किया गया है श्री यंत्र के इंस्पायर होके। श्री यंत्र जिसको हिंदुओं के द्वारा पूजा में यूज किया जाता है, और श्री यंत्र का जो एग्जैक्ट मीनिंग या रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्योर एनर्जी। फैक्ट नंबर 16 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के दौरान एक स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप को भी रिलीज किया, साथ में ही 75 रुपीज के कॉइन को भी रिलीज किया गया, यानी 75 रुपए के कॉइन को रिलीज किया गया जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
तो इस तरह से ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीजों को सीखना मिला होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।